जिला बार एसोसिएशन नुहू मेवात में चैम्बर निर्माण की आस बन गई है और जिला उपायुक्त धीरेन्द्र खटगटा ने भरोसा दिलाया है कि बार परिसर में चैम्बर के कार्य शुरू होने पर वे अपने क्षेत्राधिकार से आर्थिक मदद देने का भरपूर प्रयास करेंगे। नुहू बार में आयोजित सम्मान समारोह कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि यह बात कही। इस मौके पर बार प्रधान जाकिर हुसैन गोलपुरी ने उपायुक्त धीरेन्द्र खटगटा व जिला पुलिस कप्तान नरेंद्र सिंह बिचारनिया के समक्ष चैम्बर निर्माण, बेहतर पार्किंग व्यवस्था आदि की मांग रखी, जिस पर डीसी व एसपी नुहू ने हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। इससे पूर्व उनका बार में पहुंचने पर अधिवक्ताओं ने पुष्प गुच्छ देकर व शॉल उड़ाकर सम्मान किया। वकीलों तथा पुलिस के साथ साथ प्रशासनिक अधिकारियों का आपसी तालमेल कैसे बेहतर हो सकता है, सब एक दूसरे के जायज कामों में एक दूसरे की खुलकर मदद करें, इसको लेकर भी बातचीत हुई है। वकीलों ने कहा है कि उपायुक्त धीरेन्द्र खटखटा तथा एसपी नरेंद्र सिंह बिचारनिया ने जिले के वकीलों को भरोसा दिलाया है कि प्रशासन व पुलिस की तरफ से वकीलों को हर संभव मदद दिलाई जाएगी, लेकिन वकीलों को भी प्रशासन में पुलिस के कार्यों में खुलकर मदद करनी होगी। वकीलों तथा आला अधिकारियों की मुलाकात के बाद एक बात तो साफ है कि अब मेवात को आगे ले जाने के लिए आपसी तालमेल बेहतर बनाकर काम होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप देख रहे हैं नुहू मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और रोजाना देखते रहिएगा जिले की तमाम छोटी बड़ी खबरें। मेरा नाम जाकिर हुसैन है और इस बार में तीसरी बार मेरा ये कार्यकाल है। और बात की जाए आज एसपी और डीसी जो है प्रोग्राम था क्या कहना है? ये हमारा एक 31 का जो दंगा था ना, इससे हमने सद्भावना समारोह और सम्मान समारोह यहाँ एसपी साहब और डीसी साहब का यहाँ आयोजन किया था इसका बार की तरफ से। और इसमें मेवात के जो बुराइयाँ हैं, ओलेक्स है या टटलूबाजी है या जो गौ कसी के मामले हैं या नशाखोरी है, इन पर आज हमारी जो है एसपी और उपायुक्त महोदय से जो है बातचीतें हुई हैं। नहीं, ये तो कोर्ट का मामला था, वो निबट चुका, लेकिन अब हम इसका मोस्ट वेलकम करते हैं पूरी तरीके से। और ये भी जो है हमारी चाहे मस्जिद हो या मंदिर हो, सब बराबर हैं, उनका भी हम मोस्ट वेलकम करते हैं और अपनी तरफ से जो है मुबारकबाद देते हैं। एक अच्छी तरह से इसे वहाँ शांति बनी रहे और मेवात के लोगों से भी शांति की अपील करते हैं। हमारे यहाँ कोई मंदिर मस्जिद के बारे में कोई मुद्दा यहाँ पर हम बाकी नहीं रह गया है। हम दुआ करें, एसपी साहब ने हमारा कोऑपरेशन मांगा है, हमने उनके लिए कोऑपरेशन की बात करी कि हम एक दूसरे का सहयोग देंगे। और इस तरह के जो मामला हो रहे हैं वे हमारे बच्चों पर जो नुकसानदायक प्रभाव जिनका पड़ने जा रहा है, तो उनको हम आपस में बैठ कर एक दूसरे से जो है उनका निदान भी करेंगे, उन समस्याओं का हल करेंगे। साथ ही साथ आपने चैम्बर का हमारा साथ देने का वादा किया है और मुझे उम्मीद है कि इस साल हमारे जो है ये जो समस्या है चैम्बरों की जो है हमारा प्रशासन साथ दे रहा है और एसपी और जो डी साहब दोनों हमारी समस्या का जो है समस्या का समाधान करवाएंगे।